Today I am going to show you the 5 famous foods you must eat if you visit the city of Warrior, I mean Okada. So chale, shuru karte hain. हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो कि है दिल्ली स्वीट, जो कि 72 साल उकाड़ा की सबसे पुरानी बेकरी है। यहाँ के सुने में है कि जो समोसे हैं ना, वेजिटेबल समोसा, चिकन समोसा, और स्पेशली वो ये कि वो देसी घी में तैयार करते हैं, और बाकी इनकी कलाकंद भी सुनने में है कि बड़ी फेमस है। चलते हैं अंदर और टेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है। सो हमने समोसे मंगवा लिए हैं, चिकन समोसे हैं, और उसके बाद इनके वेजिटेबल समोसे हैं, साथ हमने कुछ स्वीट्स मंगवा लिए हैं इनकी। ये है शाही टुकड़े, ये है मक्खन पेड़े, और ये है चॉकलेट बर्फी, ये है मिल्की लड्डू, कोकोनट लड्डू यानी कि ठीक, ये है पिस्ता बादाम लड्डू, और ये है कलाकंद स्पेशल दिल्ली स्वीट की। बाकी टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसे हैं। सो ये जी चिकन वाला समोसा हम फर्स्ट टेस्ट करेंगे। सो ये जी इनका आलू वाला समोसा है। सब कुछ मीठा मीठा टेस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कलाकंद है, खुशबू बड़ी प्यारी सी कलाकंद की जो है ना वो आ रही है, और अच्छी गई है। बिस्मिल्लाह। तो हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं फूड विंडो पे, उनकी बंगाली थाल टेस्ट करते हैं। नाम से वैसे बड़ी डिफरेंट लगती है, चलते हैं आपको दिखाते हैं कि बंगाली थाल जो है वो बनता कैसे है, और टेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है। कि लोकेशन के बारे में बता चलूँ तो ये चर्च रोड है ओकाड़ा में, इसके बिल्कुल ऊपर आप आएंगे तो आप गूगल मैप पे भी कर सकते हैं फूड विंडो के नाम से। चलते हैं ऊपर, हमारी जो है वो बंगाली थाल तैयार होने लगी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे इसके अंदर राइस, ये इनके मसाला राइस हैं। ऊपर आ जाएगा ये फूड कलर, ये ऊपर आ जाएगा इनका मसाला, ये भी चाट मसाला टाइप ऊपर आ गया। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 3 से 4% की सर्विंग है, 3 से 4% जो है ना वो इजीली खा लेते हैं। सो ये आ चुकी है हमारी फ़िश, ग्रिल फिश आ गई है ऊपर, और अब आ जाएंगे ऊपर ग्रीन चिली आ जाएगी, और अब जो है उसकी गार्निशिंग की जाएगी, टमाटर हैं उसमें, उसके बाद धनिया वगैरह। होए होए होए। सो ये साथ आलू बुखारे की चटनी आ गई है, और ये साथ इनकी स्पाइसी सॉस आ गई है, और अब आ जाएगा मिल्की रायता आ जाएगा। इसकी प्राइस मैं आपको बताता चलूँ तो 1700 इसकी प्राइस है। फॉइल लगा दिया जाएगा उसको, अच्छी तरह पैक कर दिया जाएगा ताकि वो गर्म रहे। अच्छा जी, इसकी होम डिलीवरी भी इसी तरह से होती है, एज इट इज़ फॉइल लगता है, पेपर को थाल समेत जाता है कस्टमर के घर पे, और वहाँ से थाल वापस आता है, और अगर नीचे जाएगा फैमिली हॉल के अंदर तो भी इसी तरह से जाता है, और वहाँ पे कस्टमर इसको खुद ओपन करता है अपने हाथों से, और इसी तरह से ताज़ा चीज़ गर्म गर्म चीज़ कस्टमर तक पहुँचती है। थाल हमारा आ चुका है बंगाली थाल। माशाल्लाह, ये 3 से 4% की सर्विंग है, और इसकी प्राइस जो है वो 1700 है। सो टेस्ट करते हैं टेस्ट कैसा है इसका। सो ऊपर हम रायता डाल लेते हैं थोड़ा सा, इनके जो है वो मसाला राइस है, ऊपर हमने फिश रख लिया। सो साथ जो है वो आपको आलू बुखारे की चटनी मिल जाती है। टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंगाली थाल जो है वो टेस्ट कर ली, यकीन माने स्वाद आ गया बंगाली थाल खाने का। जो उनके राइस थे ना वो सिंपल से उनके राइस थे, लेकिन जो ऊपर उन्होंने फिश रखी थी ना मसाला जात वाली, वो बड़ी स्पाइसी सी फिश थी। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए उन्होंने एक सॉस दी हुई थी, स्पाइसी सॉस, बड़ी फिट किस्म की प्राइस रखी हुई है उन्होंने। 1700 में आप 4 से 5 बंदे ईजिली खा सकते हैं। बाकी
चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मिलते हैं आपको वहाँ पे। सो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जो कि है न्यू महर अजीम कैफ़े, जिनकी वाइट चिकन वाइट कढ़ाई की जो धूम है ना पूरे पाकिस्तान में एक ही अपना नाम रखते हैं और अपना एक जायका रखते हैं वाइट चिकन कढ़ाई को लेकर। बाकी ये मेरे बिल्कुल पीछे उनका सेटअप है, यहाँ पे आपको मटन कढ़ाई भी मिल जाएगी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप मटन अपनी पसंद के हिस्से का जो है ना मटन करवा सकते हैं, ठीक है, उसकी आप कढ़ाई बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मटन तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे जो है वो चिकन कढ़ाई तैयार की जा रही है, और जो इनकी मोस्ट फेमस एक कढ़ाई है जी, वाइट चिकन कढ़ाई बनाते हैं ये, पूरे काड़ा में क्या पूरे पाकिस्तान में उसकी धूम है। तो यहाँ पे जो है ना फुल टाइम कढ़ाइयाँ तैयार की जा रही हैं। ओए होए होए होए, मक्खन अंदर आप देखें, मक्खन पे मक्खन जाई जा रहा है। सो ये है जी इनकी रेट लिस्ट, आप एक दफा चेक कर लें सारी। हम जो है वो चेक करने आए हैं चिकन वाइट मीट मखनी 1280 रुपए किलो। देखिए मैंने आगे देखने में तो बड़ी मजा किया, बाकी टेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है। सो ये आ चुकी है जी हमारी वाइट चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह, तो कढ़ाई जो है वो हमारी आ चुकी है, टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा दूं कढ़ाई, कढ़ाई की ग्रेवी चेक करें आप। ओए होए 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 होए, ग्रेवी बड़ी मजे की लग रही है। बाकी हमारे पास जो है वो गरम रोटियां हैं साथ तंदूरी, टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, तो कढ़ाई जो है हमने खा ली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की वो कढ़ाई बनाई हुई थी उन्होंने, जो उसकी ग्रेवी थी ना वाइट, ओए होए यार वो कोई नेक्स्ट लेवल की ग्रेवी थी उसकी। आप जब भी कभी ओकाड़ा में आएँ तो लाजमी इनकी वाइट चिकन कढ़ाई लाजमी टेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँच गए हैं, ये मेरे बिल्कुल पीछे। अगर आप ओकाड़ा में आते हैं तो आप किसी से पूछेंगे यार हम ओकाड़ा में क्या चीज़ खाएँ, तो वो आपको कहेंगे कि जामिया मस्जिद की जलेबियाँ आप लाजमी टेस्ट करना देसी घी की। सो हम पहुँच गए हैं, ये मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो जलेबियाँ लग रही हैं। चलते हैं अपनी जलेबियाँ लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं कि टेस्ट में कैसी हैं। तो ये है जी जामिया मोहम्मदिया चौक, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे थोड़ा सा आप लेफ्ट होंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी शॉप, और यहाँ पे जनाब जुगरमा गरम जलेबियाँ लग रही हैं, रश लगा हुआ है जलेबियों पे, और इधर जो है देसी घी में जलेबियाँ निकाली जा रही हैं। ओए होए होए होए, बड़ी प्यारी खुशबू सी आ रही है, और साथ जो है इधर शीरा वगैरह पड़ा हुआ है, इसके अंदर डिप करके तो निकाली जाती हैं। अच्छा अंकल जी, कितनी देर हुई आपको जलेबियाँ लगाते हुए? बचपन तो लाके बढ़ापा इतना ही है जी। थोड़ा सा बता दें कितने बजे शुरू करते हैं आप जलेबियाँ? असर की नमाज के बाद। और रात कितने बजे तक? रात 12 बजे तक। तो थोड़ी अपनी जलेबियों की खासियत बता दें, क्या है साल? देसी घी की जलेबी है, दूध हजम है, अच्छी है ये। तो थोड़ा सा रेट भी बता दें आपकी जलेबी का रेट जी? बहुत इंतहाई मकबूल रेट है, 600 रुपये किलो है। ये देसी घी है जी? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म। सो जलेबियाँ हमारी आ चुकी हैं देसी घी की, टेस्ट करते हैं कि टेस्ट में कैसी हैं। प्रॉपर देसी घी का जायका आ रहा है, और बड़ी क्रिस्पी सी गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो जामिया मस्जिद से जलेबियाँ खाने के बाद हम अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, जो कि है हाजी नियाज फिश कॉर्नर। पूरे ओकाड़ा में जो है ना भाई इनका नाम चलता है, पहचान है एक अपनी फ़िश को लेकर। ये मेरे बिल्कुल पीछे उनका सेटअप लगा हुआ है, मछली लग रही है पीछे। चलते हैं आपको दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी मछली है, और टेस्ट भी करते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है। यहाँ पे जो है आपको सिर्फ रहू खाने को, रहू फिश जो है वो सिर्फ वो मिलेगी, और ये फ्राई करते हैं। ये हम फिश लगवा रहे हैं, अच्छा मछली को जो है ना मसाले इनके ऑलरेडी लगाए हुए हैं, अंदर तक रचे हुए हैं। अब ये जो है वो सरसों के तेल में डाली जाएगी। इधर जो है वो हाफ फ्राई करवाई जा रही है मछली, और उसके बाद जो है उसको रेस्ट दिया जाता है, और फिर जो है वो आ जाती है इधर फुल फ्राई होने के लिए। हमारी मछली जो है वो हाफ फ्राई हो चुकी है, ऊपर से जो है इसकी स्किन जो है वो उतार ली जाएगी। हाँ, अब जो है ये फुल फ्राई होने के लिए कढ़ाई में चली जाएगी। ओए होए होए, हमारी जो है वो फिश जो है वो रेडी हो चुकी है। वो कलर चेक करें आप फिश का, माशाल्लाह।
ऊपर जो है वो ये क्या चीज़ है जी, ऊपर जो है वो मसाला आ गया। ओए होए होए होए, ऊपर जो है लेमन को स्क्वीज कर दिया गया। ओए होए 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 होए, यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिश जो है वो आ चुकी है हाजी निहार साहब की। बेसिकली इनके पास एक ही किस्म की फिश है, काला रोहू इनके पास फिश है, और ये बेसन वाली फिश नहीं है। ये इनकी इन्होंने मसाला जार लगाए होते हैं ओवर नाइट, तो उसमें फ्राई किया, काफ़ी क्रिस्पी सी है, ऊपर मैंने लेमन स्क्वीज कर लिया। ओए होए 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 होए, क्रिस्पी है ऊपर ये जो है ना, इन्होंने बड़ा क्रिस्पी सा मसाला अपना लगाया हुआ है कोई। ओए होए, फुल गर्म है, साथ जो है आपको रायता मिल जाएगा और साथ जो है आपको गर्म तंदूरी रोटी मिल जाएगी। तो हम जो है अपने रायते के अंदर डिप कर लेते हैं। ऊपर वाली जो इसकी चीज़ है ना, ये बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बड़ी जूसी सी इन्होंने फिश है, और जो मसाला ज़्यादा है ना इनके पूरी तरह जो है ना अंदर तक मछली के रचे हुए हैं, और बड़ा फिट किस्म का टेस्ट आ रहा है। ऊपर से क्रिस्पी सा और अंदर से जूसी सी फिश है इनकी, टेंडर सी फिश है, बाकी बड़े फिट किस्म के मसाला ज़्यादा लगाए हुए हैं। सुनिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने जो हैं वो काढ़ा के खा लिए हैं यार, यकीन माने स्वाद आ गया काढ़ा के खाने का। बाकी हमने ज़रा जल्दी से माइंड अप किया, टाइम जो है वो ऑलरेडी 10 बज चुके हैं और आज जो है ना वो शरीर किस्म की धुंध पड़ी हुई है और हमारा सफ़र भी कुछ बहुत ज़्यादा है गुजरा वाला का, तो इसलिए ज़रा जल्दी से माइंड अप करने की कोशिश की है। और यहाँ पे वो जो वाइट कढ़ाई थी यार, और जो वो बंगाली दाल था, ओए होए होए, मैं कहता हूँ यकीन माने ऐसी चीज़ें मैं कभी दुआ करता हूँ कि यार ऐसी चीज़ें गुजरा वाला में भी होनी चाहिए, ताकि हमारे पास इजी जो है ना एक्सेस हो उस तक, तो हम आराम से जाके खा सकें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया टूर का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। यूट्यूब को और इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा अपने भाई को। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सिटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।